हाय गाइस, आई एम योर एजुकेटर रेवा। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स आजकल मेरे साथ टच में रहते हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस में और लाइव क्लासेस में, लेकिन मैं आज आपके लिए कोई पढ़ाई नहीं लेके आई हूँ। इनफैक्ट आई एम हियर विद यू फॉर अ वेरी स्पेशल स्पेशल मोटिवेशनल लेक्चर, जिसमें कि मैं आपको कोई बहुत हाई फाई बातें नहीं बताने वाली हूँ। इट इज़ ओनली माई लाइफ लेसन्स जो मैंने अभी तक के जीवन में एक्सपीरियंस करके सीखा है। सो गाइज, वेलकम टू अन अकेडमी। द लोगो सेज लेट्स क्रैक इट, एंड दैट इज़ द मोटिव बिहाइंड ऑल एफर्ट्स विच आर बींग डन एट अन अकेडमी। सो दिस इज़ बेसिकली एन एफर्ट टू क्रैक गेट एन इंजीनियरिंग सर्विसेज विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अन अकेडमी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन सी हर, ये लड़का मोबाइल यूज़ कर रहा है, ये लड़की लैपटॉप यूज़ कर रही है। सो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, वट एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू, आप उसके हिसाब से इस पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम रेवा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरे पास 7 एंड मोर ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा 7 साल से ज़्यादा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गेट और अलग अलग एग्जाम्स के लिए मेंटर किया हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने काउंसिल किया हुआ है, वो बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ सोशल सर्विस जिसके साथ मैं अटैच्ड हूँ, बट उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगी आपको। बट गाइज, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, यू वांट माय मेंटरिंग, यू वांट माय गाइडेंस, या आपको सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए, तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी थ्रू कमेंट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल और थ्रू माई स्पेशल क्लासेस और वॉट एवर। ठीक है, तो आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि गेट आने वाली है कुछ दिनों में। फेब्रुअरी मंथ बहुत क्रूशियल मंथ होता है कॉम्पिटिटिव्स वालों के लिए, वैसे ही जून जुलाई भी होता है। और बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जैसे जैसे ये एग्ज़ाम फीवर आने लगता है, आपके आसपास में आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, इवन अड़ोसी पड़ोसी, एवरीबडी, यू गेट अ फीलिंग कि ये आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा कर रहा है। जैसे आपने किसी फ्रेंड से बात की सुबह फ़ोन पे, और उसने बोला कि मैं तो आज सुबह 5 बजे उठ गया था और पढ़ रहा हूँ, तो आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आने लगे। ठीक है, सो गाइज, व्हाट हैपेंस इज, आपको टेंशन आने लग गया। अब आपने कोशिश की पढ़ने की, बट आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है पढ़ने का। आपने बहुत ट्राई किया, आपने बुक निकाली, बुक के पन्ने पलटे, 1 घंटा हो गया आप बुक के पन्ने पलट रहे हैं, कुछ कुछ लिख भी रहे हैं, बट दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। ओके, सो दिस लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, दिस लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, बैलेंसिंग योर हार्ट एंड योर माइंड। ओके, बैलेंसिंग योर हार्ट एंड योर माइंड। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बहस चलती रहती है, और कई लोग बोलते हैं कि दिल की सुनो, कई लोग बोलते हैं दिमाग की सुनो, कई लोग बोलते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से चलो, हर चीज़ दिल से नहीं की जा सकती, हर चीज़ दिमाग से नहीं की जा सकती। बट यू नो, एज स्टूडेंट्स, हम बहुत बार बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं जो नहीं कर पाते हैं प्रेशर्स की वजह से, या एक नोशंस हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, आप भी जब पैदा हुए होंगे, तो हर बच्चा एक ब्लैंक टेप रहता है, कोई भी पहले से प्रोग्राम होके नहीं आता, भगवान उसके इसमें प्रोग्रामिंग फिट करके नहीं भेजता कि बेटा तुझे इंजीनियर बन के निकलना है, ये ले ठप्पा, तो इंजीनियर बन के निकल गया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जिस जगह पे हम पैदा हुए हैं, जिन लोगों के आसपास हम रहते हैं, जिस प्रकार की सोसाइटी में हम रहते हैं, ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमें जीवन में क्या बनना है। जैसे आप एग्जांपल दीजिए, सपोज ए एंड बी, ये दो लोग हैं, है ना, कि मैं मेरा पर्सनल लाइफ का एग्जांपल बता रही हूँ। अब ए की फैमिली जो है, उसमें सबके सब डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, लॉयर्स हैं, है ना, पैसा कमा रहे बहुत, ठीक है। और ए जो है वो पढ़ाई में बहुत वीक है, ठीक है, ए इज़ रियली वीक इन स्टडी, तो ए कुछ नहीं कर पाता है ना, वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँ। आते जाते लोग उसको तमाचे मारते हुए जाते, तमाचे मीन्स डजंट मीन लिटरली तमाचे, आते जाते लोग बोलते हैं अरे क्या कर रहा है घर पर बैठा हुआ है, कुछ पढ़ ले, कुछ ये कर ले, कुछ वो कर ले। ए के एवरेज 60 मार्क्स, 60% 50% आते हैं,
वही बी एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में कोई इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बी अपनी पढ़ाई करता रहता है और बी के भी ठीक ठाक मार्क्स आते हैं, बी के सपोज 80% मार्क्स आते हैं, तो बी की सब तारीफ करते हैं, है ना, बी की सब तारीफ करते हैं, बी को सब मोटिवेट करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मिठाई लेके आ जाते हैं, मम्मी पापा खुशी से बी को शॉपिंग पे ले जाते हैं, सो बी इज रियली हैप्पी, बी इज रियली मोटिवेटेड। तो आपको क्या लगता है हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन? अगर मैं आपको इनका ये वाला एस्पेक्ट नहीं बताती तो आप सोचते कि ए बहुत लकी है जो इतने अच्छे घर में पैदा हुआ है और बी एक गरीब घर में पैदा हुआ है तो बहुत बदनसीब है, लेकिन एक्चुअली खुश कौन है? बी खुश है। तो बेटा दुनिया में कुछ भी चलता रहे, वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ, वॉट एवर हैपन्स अराउंड यू, यू नो योर हैप्पीनेस इज डिटरमाइंड बाई यू योर सेल्फ, है ना, द बेस्ट डिसीजन कैन बी ओनली टेकन बाई योर सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की सुनो मत और अपनी मनमर्जी करो और बदतमीजी पर उतराओ, दैट डजेंट एट ऑल मीन लाइक दैट। इट मीन्स दैट आप बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत चीज़ें समझी हैं, लेकिन आपकी लाइफ में आपको क्या बनना है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। देखो कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट फिजिकल आस्पेक्ट, ठीक है, कोई बहुत सुंदर भी हो सकता है, कोई बहुत ख़राब भी हो सकता है, फिजिकल एस्पेक्ट अलग अलग होता है और हर एक की लाइफ की जर्नी भी अलग अलग होती है। कई बार आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती है, आप सोचते हैं इस बार तो मैं गेट क्रैक करके रहूँगा, आपने बहुत पढ़ाई की है गेट की और आपने एप्टीट्यूड भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, बट हो सकता है आप जो क्वेश्चन के आंसर मार्क करके आए आपको इतना धक्का मिले कि आपके सारे गलत हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, मतलब गॉड फॉरबिड ऐसा हो, बट ऐसा भी हो सकता है। उस केस में आप क्या करेंगे, वॉट विल यू डू इन दैट केस? सो लाइफ एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है एंड इट इज़ अ जर्नी, बट ये जंग कभी भी जीती जा सकती है, ट्रस्ट मी। कोई एक एग्जाम या कोई एक मार्कशीट आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे अभी रिसेंटली भारत रत्न बहुत लोगों को मिला है एंड पद्मश्री, ऐसे ऐसे लोगों को मिला है जो एजुकेटेड भी नहीं है बट उनका इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है लाइफ में, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे लगता है आपको करनी चाहिए, दैट इज़ बैलेंसिंग योर हार्ट एंड योर माइंड। अगर आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, समटाइम्स यू फील वे यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू फील कि आज मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है पढ़ने की, सो प्लीज़ रिफ्रेश योर माइंड इज़ टायर्ड, यू आर इन फटीक, जैसे हमारी बॉडी थक जाती है। अगर आपको रोज मैं बोलूँ कि चलो 5 किलोमीटर दौड़ो, अब 1 घंटे बाद फिर दौड़ो, अब 1 घंटे बाद फिर दौड़ो, एक टाइम आएगा जब आप बोलेंगे कि नहीं अब बस मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब नहीं मैं कर सकती, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, वैसे ही आपके माइंड को रेस्ट चाहिए। अब माइंड को रेस्ट कैसे मिलता है? एक तो सोने से, तो सफिशियंट स्लीप, एक तो माइंड के लिए सफिशियंट स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनफ सोते नहीं हैं, अगर आप कम सोते हैं, अगर रात में मोबाइल पे वीडियो देखते रहते हैं, सुबह मम्मी मार मार के उठा देती है, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे टायर्ड होता रहेगा। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें ये बोला था कि अगर आप कम सोते हैं तो जितने घंटे आपने कम सोए हैं आपके उतने घंटे पेंडिंग हो जाते हैं आपके माइंड में। मतलब मैं अगर मुझे 8 घंटे सोना चाहिए और आज मैं 7 ही घंटे सोई तो वो 1 घंटा कैरी फॉरवर्ड होता है। ऐसे आपके लाइफ के कितने घंटे कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे, और अगर ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड होता है तो ब्रेन की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो साउंड स्लीप या सफिशिएंट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नींद में आप सपने देखते हैं उससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, ओके। इसके अलावा क्लीन माइंड बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा आजू बाजू के लोग, दुनिया तुम्हें बहुत नीचे खींचने की कोशिश करेगी, रिश्तेदार ताने मारेंगे, घर वाले ताने मारेंगे, अड़ोसी पड़ोसी ताने मारेंगे, कुछ अच्छे लोग भी होंगे आपके जीवन में, कुछ अच्छे मोटिवेशनल लोग भी होंगे आपके जीवन में, लेकिन आप अपना माइंड क्लीन रखिए। क्लीन से मेरा मतलब है इस तरह की चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अगर आपके कान में पड़ती भी है तो यू जस्ट इग्नोर देम, बिकॉज आपकी जर्नी और उनकी जर्नी लाइफ में अलग है। नोबडी नोज वॉट इज इन स्टोर फॉर यू, वॉट गॉड हैज़ इन स्टोर फॉर यू, ओके। तो आपका माइंड आपको क्लीन रखने की बहुत ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ इज़ ईट वेल, है ना, बिकॉज योर बॉडी इज़ कनेक्टेड टू योर माइंड। तो अगर आप ऐसा कोई खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारी डिफिशेंसीज आपको हो रही है, तो दैट इज़ अ रीज़न कि आपका माइंड कई बार प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। इफ़ यू टेक सच अ डाइट दैट इज़ नॉट वेल बैलेंस्ड, तो कई बार टायर्डनेस उससे भी आती है।
है ना, कि प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप विटामिन ले, यू नो देयर इज ऑल्सो रिसर्च ऑन दिस, कि अगर आप विटामिन की गोली रोज लेते हैं तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, आपको रात में भी बहुत अच्छी एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए एज स्टूडेंट्स, नॉट फॉर एवरीबडी, आप लोगों के लिए एज स्टूडेंट्स इज मैनेजिंग योर टाइम, आपका समय, है ना। क्यों? क्योंकि अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे पेंडिंग एजेंडाज हैं। जब आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, यू नो यू हैव अ वेरी गुड जॉब और यू हैव अ गुड बिजनेस एवरीथिंग विद यू, और आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, वेल सेटल्ड हो जाएंगे, तो यू कैन डिसाइड टू स्पेंड अ डे डूइंग नथिंग, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, विद योर स्पाउस, विद योर चिल्ड्रन। दैट इज़ द टाइम इन योर लाइफ जब आप ऐसा कर सकते हैं, बट नॉट नाउ। नाउ इज अ डिसाइडिंग फेज ऑफ योर लाइफ। अभी जो समय आपने यूज़ कर लिया, वो समय आपने यूज़ कर लिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा बोलते कि मैम हम टेंथ में थे तब हमें बोलते थे टेंथ की पढ़ाई अच्छे से कर लो, फिर ट्वेल्थ में आ गए तो बोलते अब ट्वेल्थ की अच्छे से कर लो, फिर बोलते अच्छे कॉलेज में पहुँच जाओ, ऐसा बहुत कुछ होता है। बट ऐसा नहीं है, जब तक आपको खुद रियलाइज़ नहीं होता कि अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सेटल हो गया हूँ या हो गई हूँ, तब तक आपको ये करना है। इसका कोई बेंचमार्क नहीं होता कि टेंथ में या ट्वेल्थ में या ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम सिर्फ रात में ही पढ़ पाते हैं, ठीक है। वैसे तो बोला जाता है कि ब्रेन की एफिशिएंसी मॉर्निंग में बहुत अच्छी होती है, और जो लोग रात भर जागते हैं फिर उन्हें सुबह नींद आती है, फिर सुबह लेट सो के उठते हैं तो वापस रात में नींद नहीं आती, ये एक साइकिल बन जाता है। अगर आपको ये साइकिल चेंज करना है तो कोशिश कीजिए रात में जल्दी सोने की, और अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो कोशिश कीजिए कितने भी बजे सोए सुबह एक टाइम पे उठें। अगर आपने सुबह 6 बजे का टाइम डिसाइड कर लिया या 7 बजे का टाइम डिसाइड कर लिया तो आप उस टाइम पे उठे ही, आज ज़रूरी नहीं उठ के आप पढ़ें, है ना। उस टाइम पे आप अपने हार्ट को मेंटेन करने के लिए यू कैन गो फॉर हेल्थ एक्सरसाइजेस, यू नो यू कैन गो फॉर हेल्थ एक्सरसाइजेस। समटाइम्स पीपल ड्रिंक फ्लूइड्स और ईट फ्रूट्स टू कीप देमसेल्व्स अवेक, है ना, हेल्थ एक्सरसाइजेस। तो आपका हार्ट अगर आपको कुछ बोल रहा है आप उसे टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, पर हाँ अगर एक दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप उस दिन को फुल्ली इन्जॉय कीजिए, खूब खाइए, सोइए, घूमिए फिरिए, मूवीज़ देखिए, और दोस्तों से बातें कीजिए, रिश्तेदारों से बातें कीजिए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बट उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपका मन भर के टाइम पास हो जाएगा और फिर आपका मन वापस पढ़ाई में लगने लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ जो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, दूसरी मुझे, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानती हूँ कि पढ़ाई के मामले में आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ना, आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि हर चीज़ हम भूलते हैं और जो चीज़ें हमें याद नहीं रहनी चाहिए, जैसे कि मुझे उसने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये चीज़ें हमें याद रहती है, हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है याद रखने के लिए। लेकिन मैंने कल कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, याद नहीं। वेस्टरगार्ड थ्योरी पढ़ी थी, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो रिवीजन आप करते रहिए, रिवीजन करने के लिए आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, अपने हाथों से लिखना बहुत ज़रूरी है। कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अगर आप अपने हाथों से नहीं लिखे, इफ यू डोंट यूज़ अ पेन एंड अ कॉपी टू राइट इट डाउन, यू माइट नॉट गेन दैट कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस की बात करते हैं बहुत सारे बच्चे मुझसे, मुझ बोलते हैं कि मैम वी आर नॉट गुड एट इंग्लिश। हम इंटरव्यू में जाते हैं और अगर हमें सब आते हुए भी कोई ऐसा बोल दे, जैसे आप कई बार देखिए, नोटिस कीजिएगा, अगर आप किसी बहुत अच्छी जगह इंटरव्यू देने गए हैं एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश एंड यू स्टार्ट रिप्लाइंग टू देम इन हिंदी, तो वो तुरंत आपको टोक के बोलेंगे हिंदी में बात मत कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, ठीक है। और उसी टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, फिर आंसर आते हुए भी हम आंसर नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को हम इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, डू नॉट वरी एट ऑल, नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने अपना टारगेट बना लिया, सपोज गेट, है ना, तो गेट आपने टारगेट बना लिया, हर चीज़ का लाइफ में लॉजिकल एनालिसिस आप कर सकते हैं, हर चीज़ का लॉजिकल एनालिसिस।
है ना, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे गेट आपने अगर टारगेट बना लिया तो उसके दो ही केस हो सकते हैं, इधर यस यू क्वालिफाइड और नो यू डिडंट क्वालिफाई। ठीक है, अगर यस यू क्वालिफाइड तो आप लाइफ में आगे बढ़ गए, आपने किसी अच्छे IIT NIT में PG प्रोग्राम के लिए एनरोल कर लिया या फिर किसी PSU में आपका सिलेक्शन हो गया। नो यू डिडंट क्वालिफाई के केस में इधर यू कैन टेक अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर विच आई विल पर्सनली नॉट सजेस्ट। उसके अलावा लाइफ में बहुत ऑप्शन है यार, बहुत ऑप्शन है। लोग छोटे मोटे काम करके भी लाखों कमा रहे हैं, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं जीवन में। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि आपकी अगर कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं हो पाई है या एक पर्टिकुलर कॉलेज जो आप चाहते थे आपको नहीं मिल पाया है तो आप उसके लिए बुरा मान रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी, आफ्टर योर इंजीनियरिंग यू कैन ईदर गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, यू कैन गो फॉर ओपनिंग अप योर ओन कंसल्टेंसी और यू कैन गो फॉर प्राइवेट जॉब। बहुत सारे बच्चों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गाइज प्राइवेट जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं खुद 3 साल एक MNC में जॉब कर चुकी हूँ और मैं आपको ये गारंटी से बोल सकती हूँ दैट गोइंग फॉर अ प्राइवेट जॉब कैन लीड यू टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप प्राइवेट जॉब करें। ओके गाइज, सो आई फील, आई थिंक कि आपको लाइफ में डिमोरलाइज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिंदास होके बैठ जाए कि अरे यार होगा कुछ तो हो जाएगा, जी भगवान ने कुछ तो सोच रखा होगा। नहीं, ऐसी थिंकिंग हमें नहीं रखनी। वी हैव टू गिव आर 100%। 100% हम कैसे देंगे? आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नोट्स रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नोट्स रिवाइज कीजिए। अगर आई गारंटी यू, अगर आप रिविजन करते हैं, है ना, समवेयर समबडी इज वॉचिंग। कोई भी पढ़ाई कभी खाली नहीं जाती है, जैसे कोई भी मेहनत की हुई कभी खाली नहीं जाती है, वैसे कोई भी पढ़ाई की हुई भी कभी खाली नहीं जाती। तो समवेयर इज वॉचिंग, ऊपर वाला है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आपको जरूर इसका फल देगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा, इधर इन इंटरव्यू और मे बी इन योर करियर पाथ जहाँ आप आगे बढ़ते हैं, वो नॉलेज आपको काम आएगा। ठीक है, तो ऐसे बिंदास होके भी नहीं बैठना है, आप बेस्ट शॉट दीजिए अपना। आप जैसे अभी कुछ दिनों में गेट एग्ज़ाम है, आप उसके लिए खूब प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जितना आपको समय मिलता है आप अपने मन के हिसाब से पढ़िए, जो सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा पसंद है उनका रिविजन पहले कीजिए ताकि वो सब्जेक्ट्स आपके पक्के हो जाए। और अगर आप गेट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फुल मोटिवेशन के साथ जाइए। यू नो दिस प्लस साइन, दिस पॉजिटिविटी इज समथिंग दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन समबडीज लाइफ। किसी का जीवन बदल सकती है ये पॉजिटिविटी। जो मैंने आपको ए और बी का एग्जाम्पल दिया, अब ए अपनी लाइफ में वीक था और उसकी हालत ख़राब होती गई, आज ए 35 साल का है, बी 35 साल का है, ए अपनी लाइफ में दुखी है, उसके पास सब कुछ है ना, बंगला गाड़ी पैसा, और बी अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसके पास भी सब कुछ है, सिर्फ माँ नहीं है, उसके पास भी सब कुछ है, ठीक है, बट बी इज़ वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज ही इज मोटिवेटेड विथ पॉजिटिविटी एंड ए हैज़ बीन फेसिंग नेगेटिविटी ऑल थ्रू हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप ए बनना चाहते हैं या बी बनना चाहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिबेलियस हो जाएं, बदतमीजियाँ करने लगे लोगों से। आपने अगर कोई प्लान सोच रखा है, यू मस्ट ऑलवेज हैव टू बैकअप प्लान इन लाइफ। देखिए बेटा, कोई भी डिसीजन अगर आप लाइफ में लेते हैं एंड जैसे करियर है या इस तरह के जो बड़े बड़े लाइफ में डिसीजंस होते हैं, जनरली आप देखिए ये डिसीजन बहुत इंसान को सोच समझ के लेने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी होती है वही होता है ना, वैसा ही कुछ होता है। तो यू मस्ट हैव बैकअप प्लान्स कि अगर आपका गेट नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, चलो मैं ये करूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली भी बैलेंस्ड फील करेंगे विद दिस बैकअप प्लान कि हाँ मैंने जो सोचा है वो नहीं हुआ तो मेरे पास और ऑप्शंस है लाइफ में, है ना, और दो बैकअप प्लान्स आपके पास होने चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि बैकअप प्लान के भरोसे ही हम रहे, आप समझ रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर लीजिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट केस।
ओके, सो स्काई इज द लिमिट का मतलब है कि आप बहुत तरीकों से लाइफ में सेटल हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सुपर 30 का एग्जाम्पल आप देखिए, अभी लोग इतना ज़्यादा, दे आर स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्राइजेस, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्राइजेस, दे आर सेलिंग न्यू आइटम्स, दे आर डेवलपिंग इनोवेटिव आइटम्स। तो ऐसा बहुत कुछ रहता हो सकता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ फंडा, टू स्टे हैप्पी इन लाइफ, टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ इज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल की जनरेशन में मैं थोड़ा कम देख रही हूँ, एंड दैट रियली कंसर्न्स मी, दैट बॉदर्स मी, इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? आप हम्बल रहिए, है ना। देखो बेटा, सक्सेस, करियर, पैसा, ये कंटिन्यूस जीवन में नहीं रहता, है ना। आपके पास आज पैसा है, आज अनिल अंबानी या कोई भी ऐसा आदमी आप देख लीजिए जिसने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखे, समबडी लाइक अमिताभ बच्चन, और ये तो कॉमन लोग हैं जिनको सब जानते हैं इसलिए मैं इनके नाम ले रही हूँ, बट ऐसे बहुत सारे आप देखिए इंडिया में ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सक्सेस की हाइट्स को छुआ उन्होंने, लेकिन समय सबका नहीं रहता, समय बहुत बलवान है। तो अगर आपके पास, आपका बहुत अच्छा लाइफ का फेज चल रहा है, तो रिमेंबर दैट लाइफ ऑलवेज मूव्स इन साइनोसॉइडल फेज। अगर आप लाइफ में अभी बहुत डाउन फेज पे चल रहे हैं तो सूरज उगेगा। एक कहावत है हिंदी में, रात कितनी भी लंबी हो सवेरा होता है। ये बहुत मोटिवेशनल लाइन लगती है मुझे, रात कितनी भी लंबी हो सवेरा होता है। सो लाइफ एक साइनोसॉइडल वेव की तरह चलती है, देर इज क्रेस्ट, देर इज ट्रफ। तो कभी आप लाइफ में ऊपर तक जाएंगे, कभी लाइफ आपको नीचे तक धकेल देगी। सब तरह के एक्सपीरियंसेस आपको लेने हैं। अगर आपका अभी डाउन फेज चल रहा है, बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं, खुश हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप टॉप पे हैं, जब आप टॉप पे हैं, उस टाइम पर सबको साथ लेके चलिए। किसी के भी बारे में ऐसा मत सोचिए कि अभी ये किस काम का, ये तो बेकार है, या ऐसा नहीं, ठीक है। यू नीड टू स्टे हम्बल। कब किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए, समय कैसा टर्न हो, ये हम नहीं बोल सकते, ओके। सो गाइज, टू जस्ट समिट अप, मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगी। यू बैलेंस योर हार्ट एंड योर माइंड, और थोड़ा सा जब आप बड़े हो जाएंगे, व्हेन यू विल सेटल डाउन इन योर लाइफ, तो इसी का एक एडवांस्ड वर्जन है, टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जो जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, ओके। टू टेक अप, टू बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर आपके हार्ट और माइंड को बैलेंस कीजिए। हर बार दिल की सुनना बहुत खतरनाक हो सकता है, हर बार दिमाग की सुनना बहुत खतरनाक हो सकता है। और अच्छे से सोइए, अपनी नींद पूरी कीजिए। कीप योर हार्ट क्लीन, कीप योर माइंड क्लीन। नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक बातों से दूर रहिए। आप जितना दूर रहेंगे, आप जितना इग्नोर करेंगे, आपके लिए उतना ही फायदा है। कई बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैम हम कैसे चुप बैठे, उन्होंने हमको ऐसा बोला है, ऐसा बोला है। सो इट डजेंट मैटर, कोई कुछ भी बोल सकता है। लोग खुलेआम टेलीविजन पे गाली बकते हैं तो क्या फर्क पड़ गया? इनफैक्ट जो नेगेटिविटी करता है उसी को प्रॉब्लम होती है। मैं कभी किसी बच्चे के साथ नेगेटिविटी नहीं करती, मैं हमेशा उनको पॉजिटिविटी देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ बहुत अच्छी और कुछ बहुत खराब क्वालिटीज होती है। आपके अंदर क्या बहुत अच्छी क्वालिटी है और आपके अंदर क्या बहुत खराब क्वालिटीज है, उनको आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पेरेंट्स आपके हमेशा वेल विशर्स, आपके हमेशा हितैषी रहते हैं। पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। हम बहुत बार गुस्से में अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ बोल जाते हैं और बाद में सोचते भी नहीं है कि उनके मन पे क्या बीती होगी, लेकिन वो ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो इन एनी केस आपका अच्छा ही चाहेंगे, आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। उनसे सुझाव लीजिए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, आपके नेचर में क्या प्रॉब्लम है और आपको कैसे सुधारना चाहिए अपना नेचर, ओके। एंड टाइम मैनेज करना सीखिए, अपना रूटीन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप फूड इनटेक लेते हैं तो आपकी बॉडी बेटर फंक्शन करती है, आप बीमार कम पड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और सुबह का लंच खाने से पहले अगर आप कच्चा फूड खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए या सैलड हो गया, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और एनहेंस होता है। मेटाबॉलिज्म एनहेंस होता है मतलब फैट कम बढ़ता है, आपके फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नींद आती है तो टेक वॉक्स, ड्रिंक
ड्रिंक मोर फ्लूइड्स। फ्लूइड से मेरा मतलब कॉफ़ी चाय नहीं है या और कोई फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड से मेरा मतलब है इधर फ्रूट जूसेस और वार्म वाटर या फिर मिल्क, हल्दी वाला दूध या इस तरह का कुछ। ऐसा कुछ लीजिए, बादाम वाला दूध लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और प्रॉपर इंटेक कीजिए विटामिन्स का, न्यूट्रिशन रखिए खुद को। तो हाइड्रेशन प्लस न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर अ मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए और अगर आपका कहीं पर नहीं होता है, निराश मत होइए, बहुत ऑप्शन है लाइफ में और ऊपर वाले की मर्जी से जो होता है वो अच्छा ही होता है। हो सकता है आपके नसीब में कोई बहुत अच्छी चीज़ लिखी हो। अपने नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए, दो बैकअप बना के रखिए जीवन में कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो हमेशा ये दो बैकअप्स के साथ आप चलेंगे। एंड स्टे हम्बल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे हम्बल की वजह से आप कोई इमोशनल बैकलॉग अपने जीवन में साथ में लेके नहीं चलेंगे। आप अगर हम्बल रहेंगे, लोगों की दुआएं आपको लगती रहेंगी, वो दुआएं तो आपके बहुत काम आएंगी आएंगी आगे जाके, और आप अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट लेके नहीं चलेंगे और कोई आपके अपने मन में आपके लिए कड़वाहट लेके नहीं चलेगा। तो एक जो बैकलॉग हो जाता है कि हम बाद में कई सालों तक सोचते रहते हैं कि हमने ये गलत किया या हमारे साथ गलत हुआ, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। तो अगेन क्लीन माइंड पे आ जाएंगे आप। ठीक है, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सारे स्टूडेंट्स से शेयर करती हूँ, बट मैंने अपने यूट्यूब लर्नर्स से शेयर नहीं किए हैं। सो गाइज, इफ़ यू थिंक कि आज का ये सेशन आपके काम रहा, आप आपके बेनिफिट में रहा, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर दिस चैनल। एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज़ और रिलेटेड टू योर करियर, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी on the comments box. I'll be more than happy to help you guys. And if you want, मैं इस पर अन अकेडमी ऐप पे इस चीज़ से रिलेटेड एक स्पेशल क्लास भी ले सकती हूँ अगर आप चाहते हैं तो। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड मे गॉड गिव यू एवरी थिंग यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अच्छा, नाउ लिटिल बिट अनाउंसमेंट्स बिफोर आई एंड अप। बैच सी फॉर those who are willing to target gate 2023 is coming up, it is known as ascent for gate 2023. 25 जनवरी से ये बैच शुरू हो रही है। इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आज ही इस बैच को एनरोल कर लीजिए। ऑलरेडी ए और बी स्टार्ट होके फुल हो चुकी है और ये बैच सी स्टार्ट हो रही है। यू कैन यूज़ माई कोड रेवा 10, REWA 10 फॉर गेटिंग 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शंस। अगर आपने 2022 को अपना गेट का टारगेट बना रखा है गाइज, तो बिल्कुल आप ये इवॉल्व फॉर गेट 2022 नाम से जो बैच स्टार्ट हो रही है इसमें एनरोल करा लीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपकी क्लासेस लेंगे। यहाँ पे सारे एजुकेटर्स के फोटोज विद नाम फ्लैश हो रहे हैं एंड सॉरी, दिस बैच इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 25 January 2021। ओके गाइज, सॉरी, यहाँ पर भी अगर आपको मेरा कूपन कोड आप यूज़ करते हैं REWA10, REWA10, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ओके एंड गाइज, अगर अभी तक आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज ही कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप, यू गेट दिस ऐप, यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ देख रहे हैं आप किस तरह से आपकी स्क्रीन पे ये ऐप फ्लैश होगा। अब ये ऐप इंस्टॉल करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब मिलेगा आपको। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं ऐप पे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, मेरी भी होती है, आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं। और जिन भी एजुकेटर्स की या जो भी टॉपिक्स की स्पेशल क्लास आपको चाहिए आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लाइव टेस्ट्स होती हैं, क्विजेस होती हैं और कोर्सेज भी जो बनाए गए हैं वो स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि सिलेबस के हिसाब से कोर्सेज बनाए गए हैं। तो आपको सिलेबस के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस कुछ भी हो आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, और अनलिमिटेड एक्सेस है, दिन भर में आप कितने भी वीडियो कितना भी कुछ देख सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू नो इफ़ यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन,
तो आपको इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के तो बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं, यानी कि लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट क्विजेस इन सब का तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है। साथ ही आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, आपकी मेंस की और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है, तो सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखने हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है ये आपको मालूम पड़ता है। और पर्सनल कोच आपको बार बार गाइड करता रहेगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और आपको रिसोर्स प्रोवाइड करते रहेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलाइन करते रहेंगे ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। और इसमें एक स्टडी ट्रैकर भी होता है, ठीक है, तो इसमें स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स, आप अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट कर सकते हैं, बाई वीकली रिव्यूज होते हैं विद द पर्सनल कोच। ओके, एंड इफ यू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन देन इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लाइक डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको पढ़ाते हैं, अलग अलग ब्रांच से अलग अलग एजुकेटर्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको इसमें दुनिया भर के टॉपिक्स, एजुकेटर्स सबके बारे में मिल जाएगा। यहाँ आपको ये लॉक लॉक दिख रहा है, बट अगर आप एक ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सारे अनलॉक हो जाएंगे। आप एक दिन में कितने भी वीडियोस देख सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही GB का आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए इतने सारी बैचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस हैं, आपकी ब्रांच के हिसाब से यू कैन ऑप्ट फॉर द कोर्सेज। देर आर सम जनरल कोर्सेज लाइक मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड ऑल्सो। ओके, सो गाइज वेन यू डाउनलोड दैट ऐप उसमें आप गेट एंड ESE पोर्शन सेलेक्ट कीजिए एंड गो फॉर इधर प्लस और आइकॉनिक, उसमें ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको सेलेक्ट प्लस एंड सेलेक्ट आइकॉनिक, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो प्लस प्लान है उसमें आप देखिए 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक का प्लान है। बट गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 12 मंथ्स से कम का मत लीजिए, इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 24 मंथ्स का लीजिए, क्योंकि इतने कम टाइम में पढ़ाई नहीं। देखिए 12 मंथ्स का पैक आपको पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट 27 का और 24 मंथ्स का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट 39 का, तो बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन 1 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएंगी। यहाँ पे जो लेफ्ट में पैकेजेस लिखे हैं ये ओरिजिनल प्राइजेस हैं, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं REWA10 तो यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस मिलेंगे। तो एटलीस्ट गो फॉर 12 मंथ्स, नहीं तो 18 मंथ्स, नहीं तो 24। इससे कम का पैकेज लेने का कोई बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। देखिए पर मंथ कॉस्ट भी आपकी हायर ही आ रही है ना। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2 ही महीनों का है, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। तो इसमें भी मैं तो सजेस्ट करूंगी यू स्ट्रेट अवे गो फॉर 24 मंथ्स, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, बट 2 साल का आपको कोचिंग मिलेगा पर्सनल कोच से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलता ऐसा। ओके, सो गाइज लेट्स क्रैक गेट एन ESE। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस पर कमेंट करके मुझे बताइए आप जो भी पूछना चाहते हैं। माई कोड इज़ REWA10। यू कैन हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन आवर अपकमिंग वीडियोज। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मे यू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ, आप जिंदगी में बहुत खुश रहे और जो आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। मेरी वेल विशेस हमेशा आपके साथ है एंड आई ऑलवेज कीप यू ऑल इन माई प्रेयर्स। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।